डांडिया सीजन इज फाइनली हियर. हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. सो फाइनली आज से सारे शुभ काम हम लोग करने स्टार्ट कर देंगे. अभी तक श्राद्ध चल रहे थे जिनके यहाँ होता है. सो इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो तो मैं बता देती हूँ. आज से माता रानी सबके घर आएंगी. मैं माता रानी ब्लेस यू विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस. बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारा हेल्थ वेल्थ लेकर आए. और उसी के साथ हम आज जा रहे हैं डांडिया खेलने, क्योंकि काफ़ी जगहों पर ना ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है ड्यूरिंग नवरात्रीज. और क्योंकि हम दुबई में रहते हैं, वैसे तो मैं 7-8 साल से दुबई रह रही हूँ, पर मैंने ये वाला फेस्टिवल आज तक कभी अटेंड नहीं करा. एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम. या ये कह लो, इससे पहले ऐसा ग्रुप नहीं था, फ्रेंड्स नहीं थे जो डांडिया खेलने जाते हो. बट नाउ आई गॉट वन ग्रुप जो डांडिया खेलने जा रहा है, और मैं भी वहाँ पर प्लान कर रही हूँ. बट द ट्रेंडिंग टॉपिक इज़ क्या पहना जाए. इट्स सच अ स्यापा टॉपिक, क्योंकि जो गरबा खेलने जाता है ना, आई मीन डांडिया खेलने गरबा नाइट्स में जाता है, उनका जो ड्रेस होता है दैट इज चनिया चोली. गुजरात का बड़ा ही फेमस फेस्टिवल है. इफ यू आर गुजराती यू मस्ट बी नोइंग दिस. अगर मैं कहीं गलत बोल दूँ तो साइड कर देना, स्किप कर देना इस बात को. लेकिन मैं चाहती हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि मुझे इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिले. सो डांडिया नाइट्स इज ऑल अबाउट फूड म्यूजिक. सो उससे पहले लेट्स गो एंड चेक कि वार्डरोब में मैं क्या पहन सकती हूँ. मुझे पता है आपके पास कितने भी कपड़े हैं. आपको लगता है ना मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है. कहीं जाना हो तो ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ी मुसीबत है हमारे लिए. कल मेरे को जिस फ्रेंड से आज मिलना है, कल मैं उससे मिली थी और उसने मुझे बोला कि वो स्पेशली जाकर ना मीना बाजार से, मीना बाजार मर्दुबई में भी लगता है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही मीना बाजार है, वो जाके स्पेशल कपड़े लेकर आई है. मैंने गुजराती कुछ ड्रेस, पर मेरे पास कुछ भी गुजराती नहीं है. आई एम अ पंजाबी एंड आई एम मैरिड टू अ ठाकुर फैमिली, तो मतलब मेरे हिसाब से ना मैं आधी आधी अधूरी हूँ. बट मैंने जो कर है ना, उसमें एक की लहंगा है. आई मीन इट्स नॉट अ लहंगा, इट इज़ अ स्कर्ट बेसिकली, जो मैंने लाइफस्टाइल से ली थी. और ये वाली जो स्कर्ट आप देख रहे हैं ना, ये मेरे को लगता है बहुत ही सिंपल हो जाएगी अगर मेरे को जाना है कहीं पे गुजराती कुछ स्टाइल पहनना है तो. उसके अलावा मेरे पास ये एक ऑप्शन है, ये मेरी किसी सूट का अपर पार्ट है, बट इसका जो ये पॉम पॉम पार्ट देख रहे हो ना, ये थोड़ा गुजराती टच दे रहा है. सो आई एम लाइक आई विल वेयर दिस. प्रेस करना पड़ेगा यार. सो आई विल वेयर दिस ऊपर ऐसे टाणा. ये पूरा आउटफिट्स आपको दिखाऊंगी, आउटफिट चेक होएगा होएगा. और उसके नीचे इधर आई विल वेयर दिस और दिस. आई एम कंफ्यूज कि मैंने ग्रीन कलर का पहनना है या ब्लू कलर का पहनना है. बाकी तैयार होने के बाद पता चलेगा. उसी के साथ वन ऑफ माई फ्रेंड गिफ्टेड मी दिस थिंगी. I'll wear this. And this is how it will look. मैंने आज से पहले कभी ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनी है. आपको मेरी किसी फोटो वीडियो में कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं पहली बार पहन रही हूँ. और एक और फ्रेंड है जिसने मुझे गिफ्ट की है बहुत ही सुंदर सी रिंग, दैट इज जो मैंने काफ़ी बार ही पहनी है, बट आई गेस वो मैच करेगी. So this is how it will look like. Okay. So अभी मैं डिसाइड करती हूँ, घर के लोगों से पूछती हूँ क्या पहना जाए. घर वालों की भी तो वो होती ना, मेजॉरिटी विंस वाली बात. तो बस डिसाइड करके पहनते हैं और चलते हैं इवेंट में. पर उससे पहले मुझे नवरात्रि का खाना बनाना है, बिकॉज हमारा फास्ट है. वहाँ पे नवरात्रि फूड भी मिलेगा. तो जहाँ हम जा रहे हैं, इट इज़ अतरंगी नवरात्रि फीस्ट, अतरंगी नवरात्रि फीस्ट. अब वहाँ पे म्यूजिक है, फूड है, बच्चों के लिए प्ले एरिया है, लाइसेंस्ड बार भी है 21+ वालों के लिए. बट उससे अभी हमारा कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल नवरात्रि. तो नवरात्रि में फास्ट की वजह से फास्ट का खाना बनाती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, फिर आउटफिट चेक होएगा और फिर हम जाएंगे. सो वेट एंड वॉच. फागुनी पाठक द क्वीन ऑफ डांडिया इज ऑल्सो कमिंग टू दुबई. मतलब वो एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिसे कौन नहीं जानता, और हम लोग तो उसके गाने ना बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं. चूड़ी जो खन की हाथों में, वो भी आ रही है दुबई नवरात्रि उत्सव के लिए, बट वो बहुत लेट आ रही है, 28th of October को आ रही है. वैसे वो हर साल आती है दुबई में अपने वाले इवेंट करने के लिए, और मैं आज तक कभी नहीं गई. आई टोल्ड यू ना, मेरे पास वैसी कंपनी नहीं थी, बट इस बार कंपनी है, पर मैं शायद उस दिन जा नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा वो वाला इवेंट फिर कभी देखा जाएगा, बट आज वाला इवेंट मिस नहीं करना चाहिए. इससे पहले ना मैं लेट हूँ, आप भी चलो फटाफट से तैयार हो गया, और मैं भी जाती हूँ तैयार होने. लेट्स गो टुगेदर. So this is how I'm looking, and this jewelry I'm wearing for the very first time in my entire life.
मीन थैंक्स टू माई फ्रेंड जिसने दिया और मुझे नहीं पता है अच्छी लग रही है नहीं, यू हैव टू टेल मी. और मैंने बहुत सिंपल से आउटफिट पहने हैं बिकॉज आई डोंट हैव दैट गुजराती चानिया चोली, वही बोलते होंगे उसको. और वैसे भी आज जो थीम है दैट इज़ डिस्को डांडिया. सो पुनीत जी ने भी बहुत ही सिंपल से आउटफिट पहने हैं, मतलब सिंपल सा कुर्ता पजामा. वो तो आपको पुनीत जी को देख के ही पता लगेगा कि वो कैसे लग रहे हैं अब. सो चलो इससे पहले हम लेट होए. सो दिस इज हाउ मिस्टर एंड मिसेस चौहान लुकिंग लाइक. गोइंग बैक और यहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी. कहाँ पे की है सीएस? मैं तो वेन्यू पे ही उतर गई थी. तो अब हम घर जा रहे हैं. हमें लगा था कि बहुत ही अच्छा वेदर है, दिन में तो अच्छी हवा चल रही थी ना सीएस, बट अभी ऐसा लग रहा है कि बेटर है घर जाओ. मैंने जो शुरुआत की थी ना वीडियो बनाने की, बस वही पूरी करने के लिए हम वहाँ खड़े थे कि कॉन्टेंट तो चाहिए ना ब्रो. चलो मैं आउटर घर जाके करती हूँ, अभी पहले घर पहुँचा है आराम से. yes. चित्रांग विला आप लाइक आप गए और आप ही गए जल्दी.
भाई बहुत गर्मी थी बाहर, ये कुछ तो पक्का ऐसे देख रहा होगा। ओहो, बंदे ने जब कहीं जाना होता है तो पहले वो ये सोचता है वो पहनेगा क्या। फाइनली मिल जाती है चीज़ें कि मिल गया अब क्या पहनना है, फिर तैयार कैसे होना है, और उसके बाद टाइमली बंदा चला भी जाए लेकिन जाके अगर इवेंट में उतना मज़ा ना आए ना, फिर घर आके लगता है यार मेरा मेकअप खराब हो गया, इतनी मुश्किल से मैंने कपड़े ढूंढे थे, वहाँ लिटरली बहुत गर्मी थी। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अक्टूबर के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, और आज 15 अक्टूबर है तो मिड ऑफ अक्टूबर में हम आ गए। यूजुअली वेदर अच्छा हो जाता है दुबई में, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप बाहर आउटसाइड किसी इवेंट में जाएं और वहाँ पंखा भी ना हो, तो हम इसी वजह से 1 घंटे में जल्दी आ गए। और चित्रांग इतना हैरान हो गया कि यार अभी तो आप गए थे, अभी वापस भी आ गए। तो कुछ ऐसा था डांडिया इवेंट हमारा दुबई में। मुझे नहीं पता और जगह जो इवेंट्स होते हैं दुबई में, डांडिया इवेंट जो मैं फागुनी पाठक का बता रही थी वो कैसा होता होगा। होपफुली अगर कहीं प्लान बना कि दोबारा जाने का मौका मिला तो लेट्स सी कि हम अपने और फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, बट अभी के लिए इतना ही। लिटरली मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत खुशी से गई थी कि मैं फर्स्ट टाइम डांडिया इवेंट अटेंड करने जा रही हूँ। मैंने वहाँ जाके इंजॉय करा, मज़ा आया, पर यार गर्मी बहुत थी, आप इतना नाच लोगे यार, ऊपर से आपको गुजराती डांस नहीं आता, वहाँ सारे लोग गुजराती डांस कर रहे थे। और उसके बाद मुझे एक चीज़ की खुशी है कि मैं टाइमली आ गई क्योंकि बिग बॉस स्टार्ट हो गया, आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। मैं नहीं चाहती थी मैं मिस करूं, इसलिए मैं बहुत टाइमली आई हूं। और मैंने देख लिया कि मनारा चोपड़ा की एंट्री हो गई है, फिर मैंने स्टॉप करके सोचा कि मैं आउट्रो बना लूं, उसके बाद में फारुक मुनावर कोई तो आया है, मैं जाके देखती हूँ। और अभी के लिए इतना ही, आपको मेरी वीडियो आई होप अच्छी लगी हो। हम लोगों को डांडिया बिल्कुल नहीं आता था, बट वी ट्राइड फॉर यू गाइज, अगर कोई कमी हो तो ठीक है यार इग्नोर कर देना, और बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं फ्यूचर में। अब वैसे भी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है तो बस स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखें अपना, रब राखा, एंड जॉइन द डिस्कॉर्ड एज वेल एज प्ले द ट्रेलर।